मुझसे ये कार्य होगा या नहीं होगा, अनेक प्रकार की द्विविधा से हमारा दुविधा से मन भरा हुआ है। इन सारे दुविधा का नाश करने के लिए, चंचल मन को एकाग्र करने के लिए, वज्र जैसा मजबूत करने के लिए, चंद्र ग्रह के जो नायक है ऐसे चंद्र प्रभु स्वामी भगवान का ये स्तोत्र है। जिसका भी चंद्र कमजोर है वह भी इसका स्तोत्र का श्रवण करता है, इसका जाप करता है, निश्चित चंद्र मजबूत होता है। चंद्र मजबूत होता है तो मन मजबूत होता है, मन मजबूत होता है तो हर कार्य अच्छे होते हैं। तो मन को मजबूत करने वाला, चंद्र ग्रह के दोष को दूर करने वाला चंद्र स्वामी भगवान का यह महाप्रभावशाली स्तोत्र वज्र मुद्रा के द्वारा सुनेंगे। वज्र यानी कि मजबूत होता है, सबसे ज्यादा मजबूत, ऐसी वज्र की तरह मन को मजबूत करने के लिए वज्र मुद्रा के द्वारा चंद्र प्रभु स्वामी भगवान का यह स्तोत्र का हम श्रवण करेंगे। ओम चंद्र प्रभ प्रभाधीशम चंद्रशेखर चंद्रभूम चंद्र लक्ष्मांक चंद्रांगम चंद्र बीज नमोस्तुते। ओम ह्रीम श्रीम अरम श्री चंद्र ह्रीम श्रीम गुरु गुरु मंगलम भगवान विरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तुलपतिराध्याय चंद्र मौसुमनम ओम नमो जीनानाम मंगलम सर्वे विष्णव प्रति विष्णव नाभि सिद्धार्थ भूपाद्याम जिनानाम पितरः च मे पालिता खंड साम्राज्या जनयन्तुं जयं ममम मरुदेवा तिशलाद्या विख्याता जिनमातरम त्रि जग जनिता नंदा मंगलाय भवन्तु मे श्री पुण्यकेन्द्र भूति प्रमुखा गणधारिणाम सुत केवली नम्यपि मंगलानी निशन्तु मे ब्राह्मी चंद्र बालाद्याम महासत्यो महतराम अखंड शील लीलाड्या मंगलम चक्रेश्वरी सिद्धायिका मुख्य शासन देवता सम्यक दृशा विघ्नहरा रचयन्तु जय अफ्यम कपर्दी मातंग मुख्याम यक्षा विख्यात विक्रमाम जय न विघ्नहरा नित्यम देया सुमंगलानी मे
यो मंगला सगमदम पडुति रदिते प्रातनर सुकृत भारत चित्त वृत्ति सौभाग्य भाग्य कलितो दुदो सर्व विघ्नो नित्यं स्वमंगलं मलं लभते जगत्तां पुनिशारियो। हवे जे आपणे सांभळवानो छे, अब आपको जो श्रवण करना है वो है उल्टा नौकार मंत्र। जीवन की जितनी कठिनाइयां हैं इन सारी कठिनाइयों में उल्टा नौकार मंत्र हमें संबल प्रदान करता है। अगर आप जिंदगी से हिम्मत हार जाओ, चारों ओर के संकटों से अगर आप थक जाओ, विचलित बन जाओ, भयभीत बन जाओ, तो उसका श्रेष्ठ मार्ग है उल्टा नौकार मंत्र। निशारी आप अनुभव करके देख लीजिएगा, उल्टे नौकार मंत्र को श्रवण करके आप अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे। कोर्ट कचहरी से लेकर विवाद, झगड़े, आपत्ति, शत्रु, दुश्मन, मूठ, मेली विद्या, दुष्ट विद्या, दुकान बांधना, मकान बांधना, पुत्र बांधना, ये जितने भी बंधन, इन सभी बंधनों का नाश करने की कैपेसिटी इस उल्टे नौकार मंत्र में है। आइए हम उस उल्टे नौकार मंत्र का श्रवण करते हैं। मुद्रा अंजनी मुद्रा के द्वारा, मुक्ता शक्ति मुद्रा के द्वारा इस उल्टे नौकार का हम श्रवण करेंगे। सीप जैसा आकार होता है जो हम जय विराय के अंदर भी करते हैं, यह मुक्ता शक्ति मुद्रा है, यह अभिनय मुद्रा भी कही जाती है। इस मुद्रा के द्वारा हम परमेष्टि मंत्र का श्रवण करेंगे। लंगमैव मंडपम शिवे उच्च ब्रह्मणागमम ऋणो फ्राप बबावा उसरुकग मुनजम स्वयं ऋणम उसावो सेलो मणानम याजज बमणम ऋणम यारियमण आनंदाचिमणम ननता हमर्यमणम लंगमम इव मंडपम शिवे उच्च ब्रह्मणागमम ऋणो फ्राप बबावा उसरुकग मुनजम स्वयं ऋणम उसावो सेलो मणम ऋणम याजज बमणम ऋणम यारियमण आनंदाचिमणम ननता हमर्यमणम लंगमैव मंडपम शिवे उच्च ब्रह्मणागमम ऋणो फ्राप बबावा उसरुकग मुनजम स्वयं ऋणम उसावो सेलो मणम ऋणम याजज बमणम ऋणम यारियमणम ऋणम दाचिमणम ननता हमर्यमणम लंगमैव मंडपम शिवे उच्च ब्रह्मणागमम ऋणो फ्राप बबावा उसरुकग मुनजम स्वयं ऋणम उसावो सेलो मणम ऋणम याजज बमणम ऋणम यारियमणम ऋणम दाचिमणम ननता हमर्यमणम लंगमैव मंडपम शिवे उच्च ब्रह्मणागमम ऋणो फ्राप बबावा उसरुकग मुनजम स्वयं ऋणम उसावो सेलो मणम ऋणम याजज बमणम ऋणम ऋणम यारियमणम ऋणम दाचिमणम ननता हमर्यमणम लंगमम इव मंडपम शिवे उच्च ब्रह्मणागमम ऋणो फ्राप बबावा उसरुकग मुनजम स्वयं ऋणम उसावो सेलो मणम ऋणम याजज बमणम ऋणम यारियमणम ऋणम दाचिमणम ननता हमर्यमणम लंगमम इव मंडपम शिवे उच्च ब्रह्मणागमम ऋणो फ्राप बबावा उसरुकग मुनजम स्वयं ऋणम उसावो सेलो मणम ऋणम याजज बमणम उल्टे नौकार मंत्र का श्रवण करने के बाद में अब एक बहुत महत्वपूर्ण वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति के जन्म के बाद उसके कोई ना कोई कुल देवता होते हैं, उसके गोत्र देवता होते हैं, उसके गोत्रज होते हैं, उसके पूर्वज होते हैं। आपके भी कोई पूर्वज होंगे, आपके भी कोई गोत्रज होंगे। आपने जिस कुल के अंदर जन्म लिया है उस कुल के कोई कुल देवी होंगे, कोई क्षेत्रपाल होंगे, कोई अधिष्ठायक देव होंगे। जैन शास्त्र तो कर्म को मानता है लेकिन इसके साथ निमित्त भी है और निमित्त में हम अभी याद कर रहे हैं, हम अभी स्मरण कर रहे हैं हमारे कुल देवताओं को, हमारे क्षेत्रपालों को, हमारे गोत्र देवताओं को, जिनकी कृपा अगर होती है तो हमारे कार्यों में सुंदरता होती है और जिनकी कृपा अगर नहीं बरसती है तो हमारे हर कार्य में अटकाव आते हैं, विघ्न आते हैं।
कार्य यहां तक आ चुका हो लेकिन हम खा नहीं सकते उस कार्य को। अंतरायों को दूर करने के लिए अब हम स्मरण करेंगे क्षेत्रपालताओं को, कुल देवताओं, मुद्गर मुद्रा के माध्यम से। मुद्गर मुद्रा एक भारी मुद्रा होती है और भारी से भारी अंतराय को, भारी से भारी विघ्न का निवारण करने के लिए यह मुद्गर मुद्रा और यह महाप्रभावशाली कुल देवता का स्तोत्र हम सबको गुरुमुख से श्रवण करना है और साथ में बोलना है एक लाइन हम सबको, भैरवम कुल देवम। हम सबको बोलना है हमारी जगह पर बैठकर, भैरवम कुल देवम। तो चलिए गुरुदेव के मुख से इस प्रभावशाली स्तोत्र का हम श्रवण करते हैं मुद्गर मुद्रा के माध्यम से। यम 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 यक्षराजं दश दिशि दधितं भूमिकं प्रायमानं सं सं संहार मूर्ति शिरमुकुट जटा शेखरं चंद्रबिंबं दं 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 दीर्घकायं मृकुतनक मुखं मूर्धरोमं राम।
कुलदेवताय नमः ओम यम फम दम पम रम गम कम फम लम दुम रुम नम वम खम चम मम शम मम मम धेम हम खम शिम हुम मम फम यम जम रुम हम यम रम फम क्षेत्रपालाय कुलदेवताय नमः ओम नमः मनवंतर मंदिर मामलम विपत्ति काले मामलम से मक्ष माम देव मंदिर ओम आम ब्रह्म रे मंत्र पे मामली वक्षपदाम माश माम शरणम तव शरणम तव रक्ष माम देव मणि पदवे ब्राम ब्रीम ब्रूम ब्र मंत्र रूपे तव भक्ति प्रभावतम प्रत्यक्षम दर्शनम देहि रक्ष माम देव मणि पदवे धर्मार्थ काम मोक्ष सेवम काम दात्रु सुमदाम महाभीति विनाशे रक्ष माम देव मणि पदवे ब्राम ब्रीम ब्रूम ब्र मंत्र रूपे तव शरण सुशोभितम स्तम स्त्रम ते सुप्रत्यक्षम रक्ष माम देव मणि पदवे सुकृति बलम सेव कामदम मोक्षदम तव आदि व्याधिपतिम जयस्वाम देवनग्रे राज वेम चो वेम नास्ति नज सर्पेण रक्षते सर्व मंगल कारकम रक्ष देव माम मानी भद्रे पुण्यशारियो आज नवरात्रि की प्रथम दिन और उसका यह महामांगलिक अभी थोड़ी समय में संपन्नता की ओर आगे बढ़ रहा है। इस समय में इस माह में नौपद जी की ओली का व्रत हमारे यहां पर चालू होगा। कौन से दिन से ओली चालू होगी भाई? हाँ जी 23 अक्टूबर सप्तमी के दिन से ये 2020 से ये नौपद ओली जी का यहां पर चालू होगा। पूरे समूचे विश्व के अंदर व्यक्ति अपने अपने स्थान में रहकर भी ये आराधना जरूर कर सकता है। पुण्यशालियों कोरोना की महाभीषण बीमारी को नाश करने के लिए नौपद जी की ओली बहुत अभेद्य दुर्भेद्य विद्या है। नौपद जी की ओली मंगल करने लायक है, मंगल रूप है और इस नौपद जी की ओली की आराधना आप सभी को करने का मैं आग्रह करता हूं। एक अनुमोदनीय समाचार में अभी आपको बता रहा हूं। हमारे मुनिराज श्री गंभीर रत्न सागर जी मार्फा जो हमारे समीप में बैठे हुए हैं और इन गंभीर रत्न सागर जी मार्फा जी ने 180 दिन का एक अद्भुत तप किया जिस तप के अंदर एक उपवास एक व्यासना एक महीने तक फिर दो उपवास एक व्यासना एक महीने तक फिर तीन उपवास एक व्यासना एक महीने तक फिर चार उपवास एक व्यासना एक महीने तक और पांच उपवास और एक व्यासना एक महीने तक। इस प्रकार की कठोरतम साधना संपूर्ण विश्व की शांति के लिए कोरोना की महामारी की शांतता के लिए संकल्पता के साथ में विश्व के कल्याण के लिए इन्होंने अद्भुत ये तपस्या करी है। हम इनकी भावनाओं की अनुमोदना करते हैं। अभी वर्तमान में इनको श्री शत्रुंजय तप चल रहा है। हमारे लब्धि रत्न सागर जी महाराज साहब जी को भी ये तप चल रहा है और हमारे छोटे से बालमुनि श्री रम्य रत्न सागर जी महाराज साहब जिनकी उम्र तो बहुत छोटी है लेकिन जिनका हौसला बहुत बुलंद है। तेला किया व्यासना किया आज दूसरा उपवास है और दूसरे उपवास में भी मन पर प्रसन्नता है
भजन तो कम हो चुका है लेकिन मन की दृढ़ता काफी बढ़ चुकी है। इस समय इन गुरु भगवंतों को अद्भुत तप आराधना चल रही है, शत्रुंजय तीर्थ के सानिध्य में अद्भुत आराधना चल रही है और सोने में सुगंध के रूप में हमारे तीर्थरत्न सागर जी महाराज पर जो तपस्या में कमजोर माने जाते हैं इनको भी वर्धमान विद्या का वर्धमान तप का पाया चल रहा है। इनको भी कल उपवास था, आज आयमिल है, 20 दिन तक चलने वाली विराट तपस्या में ये भी बिल्कुल लग्न है। अभी शत्रुंजय महातीर्थ में करीबन 700 से 800 साधु साध्वी जी भगवान अपनी आराधना तप जप स्वाध्याय ध्यान के अंदर मस्त हैं। एक अच्छी बात बता दूं आपको, समूचे पालीतना में कोई कोरोना का केस नहीं, एक भी साधु भगवान को, एक भी साध्वी जी भगवान को किसी भी प्रकार की कोरोना की समस्या नहीं है। और प्रभु आदिनाथ भगवान की अद्भुत कृपा शत्रुंजय तीर्थ की इस गोद के अंदर एकदम आनंद मंगल और प्रसन्नता का माहौल है। पुण्यशालियों, इस प्रसन्नता के माहौल में सब गुरु भगवान आराधना कर रहे हैं, 700-800 साध्वी जी भगवान उपस्थित हैं, विराजमान हैं। आगम मंदिर और जम्बूद्वीप में जहां हमारा चतुर्मास है वहां पर भी करीबन 150 साधु साध्वी जी भगवान विराजित हैं और रोज सुबह 7:45 से 8:15 बजे प्रवचन आगम मंदिर में होते हैं, 10:45 से 11:15 वाचना जम्बूद्वीप में होती है और सैकड़ों की संख्या में साधु साध्वी जी भगवंतों का आराधन यहाँ चल रहा है। आज वर्ष में एक बार मैं आप सभी से आशीर्वाद की प्रार्थना लेकर के आता हूं, वर्ष में एक बार मैं आप चतुर्विध श्री संघ के आशीष लेता हूं। पुण्यशालियों, 11 महीना तो हम आशीर्वाद देते हैं लेकिन एक बार हम आपसे आशीर्वाद लेते हैं, काय के लिए भैया? सूर्य मंत्र की मौन आराधना, 16 दिन की आराधना, ये वो आराधना थी जो गुरुदेव नवरत्न सागर जी महाराज जब से उन्होंने आचार्य पद ग्रहण किया था तब से लेकर अंतिम समय तक उन्होंने ये सूर्य मंत्र की आराधना बराबर करी थी। और अंतिम सूर्य मंत्र की आराधना में चेन्नई में उन्होंने मुझे आदेश दिया था कि विश्वरत्न इस सूर्य मंत्र की आराधना को अब तू संभालेगा, सूर्य मंत्र की आराधना का अनुसरण अब तू करेगा। और उन्हीं के आदेश, उन्हीं के निर्देश से ये अत्यंत कठोर माने जाने वाली ये आराधना संपूर्ण मौन और आयमिल के व्रत के साथ, आयमिल भी केवल एक धान का आयमिल, और ऐसी ये विशिष्ट आराधना जिसमें 7 घंटों की आराधना से लेकर 18-18 घंटे तक की मौन आराधना करनी रहती है। ये आराधना मैं गुरु के आशीर्वाद से करने की भावना रखता हूं, मेरी तो कोई शक्ति नहीं है, मेरी तो कोई योग्यता नहीं है इस आराधना को करने की, लेकिन चतुर्विध श्री संघ के आशीर्वाद से मुझे विश्वास है कि यह आराधना मंगलमय रूप से संपन्न होगी। इसमें आप दुआ करना, आप प्रार्थना करना, आप परमात्मा से अनुग्रह करना कि गुरुदेव की इस आराधना को संबल मिले, गुरुदेव की इस आराधना को शक्ति मिले और गुरुदेव निर्विघ्नता के साथ में इस आराधना को परिपूर्ण कर सके। आइए मौन आराधना, मौन साधना की इस शुभ घड़ी में आप सभी आशीर्वाद दें और जरूर से इस आराधना में आप भी सहभागी बने। आप अपने अपने स्थान में लेकर भी गौतम स्वामी की आराधना करके मेरी आराधना में फरीक बन सकते हैं। पुण्यशालियों, आगामी महामांगलिक अब कब आने वाली है? नूतन वर्ष की महामांगलिक, बेफ्ता वर्षनी महामांगलिक। हाँ जी पुण्यशालियों, पालीतना आने की भावना रखिएगा, पालीतना शत्रुंजय गिरिराज की छत्र छाया में इस मांगलिक को श्रवण करने की भावना रखिएगा। विराट संख्या में गुरु भक्त हर मांगलिक में पधारते हैं, आज भी बड़ी संख्या में गुरु भक्तों का फैलाव यहां पर आया हुआ है। टेक्निकल कारणों के चलते मैंने अभी आपको आंकड़ा नहीं बताया कितने व्यक्ति हैं, क्या है क्या नहीं है, कि बहुत बड़ी संख्या में महामांगलिक श्रवण करने के लिए लोग यहां पधारे हैं, दूर दूर से लोग यहां पर आए हैं और उसी समय में वो भी आपको पता चल जाएगा कितनी संख्या है, लेकिन अभी तो मैं संख्या आपको नहीं बता सकता हूं, पर बड़ी भारी संख्या है। और यहाँ के पुलिस प्रशासन का भी मैं आभारी हूं,
कि वो लोग बराबर हमें सहयोग प्रदान करते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं। चलिए इस महामंगलकारी नूतन वर्ष की महामांगलिक में आप सब जरूर से पधारने का भाव रखिएगा। 18 अक्टूबर को होने वाली इस 16 नवंबर को होने वाली इस महामांगलिक में आप सभी श्रवण करने के लिए जरूर पधारें, इसी मंगल में प्रेरणा है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दादा की यात्रा का शुभारंभ होगा, हम सब मिलकर के दादा की यात्रा करेंगे और उसके पश्चात नवरत्न धाम का उद्घाटन करने की भी भावना है, इसकी भी अति शीघ्र घोषणा होगी और इसकी भी जानकारी आपको प्रदान कर दी जाएगी। आज बड़ी संख्या में बाहर से गुरु भक्त पधारे हैं और मैं उन भाविकों की भक्ति की अनुमोदना करता हूं। वह वृद्ध साधी जी भगवंत भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस तपती धूप में इतने गुरु भगवंतों का यहाँ आगमन हुआ है, ये अनुमोदनीय है, खूब खूब प्रसन्नता है। इतनी विराट संख्या में साधुगण साध्वी जी गण यहाँ पर बैठे हैं। आपने मांगलिक में जिनके सूत्र सुने होंगे, ऐसी हमारी छोटी छोटी बाल साध्वियां और जिनकी दीक्षा अतिशीघ्र होने की संभावना है, ऐसी हमारी मुमुक्षुकाएं दीक्षार्थी बहने भी और दीक्षार्थी भाई भी यहाँ पर मौजूद है, जिनकी दीक्षा की तैयारियां जोर शोर से चली जा रही है। आइए हम इस मांगलिक की अंतिम चरण में इन मुमुक्षुओं का भी अभिनंदन करते हैं और कामना करते हैं इनकी जल्दी से जल्दी दीक्षा संपन्न हो। चलिए चलिए महामांगलिक का अंतिम चरण अंजलि मुद्रा के द्वारा, समर्पण मुद्रा के द्वारा, उससे पहले सीधा नौकर हमारा बाकी है। उल्टा नौकर हमने किया उल्टे काम को सीधा करने के लिए, लेकिन अब सीधे काम को भी और अच्छे से करने के लिए सीधा नौकर का जब हम सब मिलकर राग के अंदर झूमते हुए इसका स्मरण करेंगे, तो आचार्य भगवान के मुख से हम शुरुआत करते हैं सीधा नमस्कार महामंत्र। शुरुआत करेंगे छोटे महाराज, सबको साथ में मिलकर बोलिए तालियों के नाद के साथ, ताली मुद्रा के अंदर। नमो अरिहंताणं नमो सीतारं नमो Yeah.
अंतिम चरण अंजलि मुद्रा, समर्पण मुद्रा, तन मन धन प्रभु के चरण में समर्पित कर देना है, क्योंकि जो समर्पित होता है उसे ही कुछ प्राप्त होता है। इसी भावना के साथ समर्पण मुद्रा में बृहत शांति यानी कि बड़ी शांति, विघ्नों का नाश करने वाली इस बड़ी शांति का हम श्रवण करेंगे आचार्य भगवान श्री के मुख से। अंजलि मुद्रा कर लीजिए, आंख मूंद लीजिए और बड़ी शांति जो अशांति को दूर करती है, अनेक विघ्नों का नाश करती है, संपूर्ण जिन शासन में शांति करती है, ऐसी बड़ी शांति का हम श्रवण करते हैं। भो भो भव्या श्रुणुत वचनं प्रस्तुतं सर्वमेतत् ये यात्रायां त्रिभुवन गुरो रारता भक्ति भाजं तेषां शांतिर् भवतु भवताम् अर्हदादि प्रभावं दारोग्य श्री द्रुतिमति करी क्लेश विध्वंस हेतु भोगो भवलोकां ये विद्या उदरति फमनम ओम 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 रोहिणी प्रकृति विद्रंगला विजन मुफी अप्रति जरा प्रसिद्ध काली मंगली गोविंदारी सर्वस्त्र महाज्वरमान विरुद्ध छुप्तमान से मान से वर्तमान से वर्तमान से रक्षण सत्यम स्वाम ओम आचार्य बाध्य प्रभु यात्रण के प्रति ब्रह्मण मंगल के अंदर दुदु शुद्ध विशुद्ध ओम ग्रह चंद्र फिरंगा रक बुद्ध प्रभु दिस प्रभु से राव गोदम तम फलोक भला सोमय मवण को विवाह से दफन देने का विदम ये चानी भी ग्राम नगर क्षेत्र देवता देव से फिर बिंदा बिंदा अक्षीनो कोश कुष्ठ करंत विच नरपति चंद्रवा ओम पुत्र मित्र भ्रातृ भ्रातृ पुरुष पति बंधु बंधु प्रभुदा नित्यं चामोद प्रमोद गण स्वयंश्च भूमंडल देव वाफी साधु साध्वी श्राव श्रवणम रोग उपर के वैद्य दुम दुम शुदम शुम शुम शांत ओम तुष्टि पुष्टि रुद्रवती मंगल स्वा फदा प्रदुतानि पापानि तं दुरितानि शत्रु भव प्राण भव स्वाम श्रीमते शांतिनाथाय नमः शांति विधायिने त्रैलोक्यस्य अमरा दिशमुर बिरतांग्रे शांति शांति करो श्रीमान शांति निस्तमे गुरु शांतिरेव सदा तेषां मेषां शांतिर्गुरुरेव उन्मृष्ट रिष्ट दुष्ट ग्रहति दुःस्वप्न दुर्निमदति संपादिते तपमनं गृणं जयति शान्ते श्री संघ जगजन राजाधिराज सुनिष्ठं गोष्ठ गुण कण व्याणे व्यरे शांति श्री श्रमण संघ शांति भवतु शांति वर्षम गुदोकम गोम चंद्रन कर्बुरा गुरुतु पाव कुमंदरी स्नात जदुगायम श्रीवंग मेमद फुजे फुजे कोपो पुफ उत्तर चन्नामणारे मुद पुष मलम कंडिक तो शांति मुद शिवा शांति पानी मुक्त के दादा मिति नृत्यंति नृत्या मणि पुष वर्षम सुजंति गायंति रामंगलानि सोत्राणि गोत्राणि पठन्ति मंत्रानि शिवा 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 शिव
जैनम जयति शासनम। पुण्यशारियों, आप वाफक्षेप लगाने के लिए भीड़ न करें, शांति से क्रमिकता से आवे, सभी को वाफक्षेप मिलेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पूरा ध्यान दें, मास्क आदि पहनने का पूरा पूरा ध्यान दें और सहयोग करें। बोलो बोलो श्री नवरत्न सागर सुरेश्वर जी गुरुदेव की जय। बोलो बोलो श्री आचार्य श्री विश्वरत्न सागर सुरेश्वर जी की जय। आज के ये बिस्तर महीने के दिन हम ये पालीतना की जो पावन भूमि पे हमें गुरु जी का जो महामांगलिक सुनने को मिला उससे हम धन्य हो गए हैं। और ये वैश्विक महामारी है जिसमें लोग आज इतने परेशान है, मगर ये गुरुदेव का जो चमत्कार है, ये गुरुदेव की जो शक्ति है, वो शक्ति हमें एक नई ऊर्जा पैदा करती है हमारे में कि भाई ऐसा ये मांगलिक से हमारे और पूरे विश्व के लोगों का जो भी रोग शोक जो भी है वो पूरा दूर हो जाता है। और ये महामांगलिक से एक पूरे विश्व को एक संदेश जाता है कि ये वैश्विक महामारी से हमें कैसे निजात मिले, कैसे छुटकारा मिले। ये छुटकारे के लिए गुरुदेव आपका ये महामांगलिक हमें सदा जीवन में एक स्फूर्ति देता है, एक शक्ति देता है। और आपकी जो शक्ति है, ये शक्ति से ये महामारी का विनाश होगा, ये हमें पूर्ण हमें विश्वास है। गुरुदेव आप और आपकी अपार कृपा पूरे विश्व में ये महामारी को दूर करने के लिए आप ये जो आपका जो संकल्प चल रहा है, ये संकल्प से आप हमें और पूरे विश्व के लोगों को आशीर्वाद दीजिए कि हम ये महामारी से बाहर निकल के एक नई प्रेरणा और नई चेतना के साथ हम अपनी जिंदगी की शुरुआत करें। और हम सभी साथ में मिल करके जो भी अच्छे जीवदया के काम है, लोगों के काम है, वो हम करते रहे, ऐसी ही मंगल कामना और आपसे चाहते हैं और आपका आशीर्वाद चाहते हैं। जय जिनेंद्र।